होम क्वारंटीन की पूरी व्यवस्था लागू करने के लिए मनीष सिसोदिया ने लिखा अमित शाह को पत्र। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी जारी। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के 6 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ी टूट, 5 एमएलसी छोड़ेंगे पार्टी। प्रयागराज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। भोपाल में बीजेपी ऑफिस में प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान साध्वी प्रज्ञा की बिगड़ी तबीयत। आंध्र प्रदेश में कोरोना पर काबू पाने के लिए 90 दिन में राज्य के हर घर में होगी टेस्टिंग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के जंगलों में एनकाउंटर शुरू, पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात। पेट्रोल की कीमत में 20 पैसे और डीजल में 55 पैसे प्रति लीटर की हुई वृद्धि। पीएम मोदी ने दी देशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं, बोले जय जगन्नाथ। राहुल गांधी ने ट्वीट से साधा सरकार पर निशाना, पूछा क्या चीन का जमीन पर है कब्जा। आर्मी चीफ एमएम नरवणे 2 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे लद्दाख। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए सीआरपीएफ के जवान ने अस्पताल में तोड़ा दम। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा हुई शुरू, सीएम रूपाणी ने की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में पुलवामा मुठभेड़ में ढेर हुए आतंकियों के पास से 2 AK-47 हुई बरामद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सस्पेंड किया H-1B वीजा। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ का जवान हुआ शहीद। पतंजलि का दावा, कोरोना की खोजी दवाई, हर्बल दवा का नाम होगा कोरोनिल। बाबा रामदेव ने कहा 7 दिन में इस दवा से 100% लोग ठीक हुए बिना किसी नुकसान के। बाबा रामदेव ऑर्डर मी नामक ऐप करेंगे लॉन्च, घर बैठे इस ऐप से कर सकेंगे दवा ऑर्डर।